दोस्तों, अवरल टाइम्स न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी दीक्षित। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में मौजूद भारतीय पंचांग यानी समय गणना प्रणाली पर आधारित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी साइबर अटैक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले ही इस घड़ी का उद्घाटन किया था। साइबर अटैक से विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के सर्वर की प्रोसेस धीमी हो रही है और आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अजय देवगन और आर माधवन की सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म शैतान कल महाशिवरात्रि के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। ऑडियंस से मूवी को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स ने भी फिल्म की जमकर तारीफ की है। अजय देवगन की शैतान ने रिलीज होते ही देश भर में बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और पहले दिन बम्पर ओपनिंग की है। यूरोपीय संघ ने गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए साइप्रस से नया समुद्री मार्ग निर्धारित किया है। उसके बाद राहत सामग्री लेकर एक मालवाहक जहाज गाजा के लिए रवाना हो गया है। ईयू ने अमेरिका और यूएई के साथ मिलकर यह नया समुद्री मार्ग तैयार किया है। यह आपदा से जूझ रहे गाजा के लोगों को खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी सामान मुहैया कराएगा। आम लोगों को फिर से प्याज की महंगाई ना रुलाने लग जाए, सरकार ने इसके लिए पहले ही तैयारियां तेज कर ली हैं। इसके लिए सरकार प्याज के सुरक्षित भंडार को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है और उस योजना के तहत लाखों टन प्याज की खरीदारी होने वाली है। इसके लिए सरकार इस साल 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बना रही है ताकि बफर स्टॉक को मजबूत किया जा सके। देश में सस्ती विमानन सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी इंडिको के शेयर की बड़ी डील होने वाली है। बताया जा रहा है कि इंडिको के को फाउंडर राकेश गंगवाल इसकी पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के 5% से ज्यादा शेयरों की बिक्री कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 166 बेटियों का विवाह धूमधाम के साथ हुआ। लखनऊ मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय बालक में आयोजित विवाह समारोह में 164 जोड़ों ने जहां अग्नि के साथ फेरे लिए, वहीं एक अल्पसंख्यक बेटी का निकाह कराया गया। साथ ही एक विधवा महिला का भी विवाह कराया गया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश में सबसे बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 4 बार के राज्यसभा सांसद सुरेश पचौरी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। बीजेपी दफ्तर में आज कांग्रेस के नेता रहे सुरेश पचौरी ने पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल समेत कई कांग्रेसियों के साथ भाजपा का गमछा ओढ़ लिया। कार कंपनी हुंडई अपनी गाड़ियों पर बम्पर ऑफर लेकर आई है। हुंडई अपनी कार पर 43,000 रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। कंपनी की ये ऑफर केवल मार्च के महीने तक ही लागू है। हुंडई की पॉपुलर गाड़ियों पर ये ऑफर दिया जा सकता है। इन गाड़ियों में हुंडई की i20 और ग्रैंड, i10, नॉइस, ऑरा और वेन्यू गाड़ियों के मॉडल शामिल हैं। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे धर्मशाला टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है। पहली पारी में रोहित एंड कंपनी 477 के स्कोर पर ऑल आउट हुई। नतीजन पहली पारी के आधार पर भारतीय टीम ने 259 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। दुनिया की प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक बिटकॉइन का रेट $70,000 हो गया। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो करेंसी की कीमत ने करीब 2% का उछाल आया है। वहीं एक सप्ताह में बिटकॉइन की कीमत 10% उछल चुकी है। इसी तरीके की फटाफट खबरें देखने के लिए अवरल टाइम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।